नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिव टोला छठ पूजा समिति काम करती है उसका एक सराहनीय काम जो वीडियो में पहले से भी डालता रहा हूँ, तो मैं इस पर अपडेट रहा हूँ। अभी बहुत दिनों से यहाँ मिट्टीकरण का काम हो चुका है, लेकिन चूंकि चैती छठ का समय नज़दीक आ गया, जहाँ पहले सिरसुपता बहुत सारा हुआ करता था, बहुत गाँव के लोग यहाँ आकर के छठ का महापर्व किया करते थे, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। इसके पीछे क्या उनकी मंशा रही और अभी तक मिट्टीकरण का काम हो चुका है, सिरसुपता नहीं बना है, तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि चैती छठ नज़दीक आ रहा है, तो चैती छठ लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस पर जानकारी हमने इकट्ठा की शिव टोला के अध्यक्ष महोदय से। मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि आखिर इतना देर हुआ तो क्यों देर हुआ, और चैती छठ नज़दीक आ गया तो अब लोग चैती छठ कहाँ करेंगे, चूँकि सिरसुपता यहाँ है नहीं। मैं चलिए मिलता हूँ उनसे और उन्हीं की जुबानी यह बात जानने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शिव टोला के आप अध्यक्ष हैं और आप ही के नेतृत्व में यहाँ ये काम हुआ है, तो ये वीडियो मैंने तुड़ाई का भी वीडियो मैंने डाला, मिट्टीकरण का भी वीडियो डाला, लेकिन इसमें ज़्यादा देर हो रहा है। सबसे पहले ये आप बताइए कि यह जगह तो था, ये मन में भावना आपको कैसे उत्पन्न हुई कि यहाँ इस तरह से काम किया जाए? सबसे पहले तो हम आपको इस मैंने चैनल के माध्यम से यहाँ के तमाम लोगों को और आपको हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं बता दूं कि एक भावनात्मक जागृति मिली हमको कि जो ये एक आस्था का जो छठ का पर्व है, इसको मैंने हम जानते हैं कि हिंदू का ये महान पर्व है, और इस पर्व में और इस पर्व के जगह पर इतनी गंदगी हो रही थी, शायद आप भी देखे होंगे और चैनल के माध्यम से आप बताए भी होंगे, सारे मेला का ये गड्ढा सा बन गया था और सारे मेला का जो गंदगी था जो यहीं पर लग रहा था, और जब बरसात का मौसम आता था इतने ना यहाँ गंदगी और इतना ना घास फूस भांग उपज जाता था कि यहाँ के अगल बगल लोग इसमें लेटरिन भी करने पर मजबूर थे। ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक मन में भावना आई कि इस चीज़ को किया जाए, इसको जीर्णोद्धार किया जाए, जो एक महान हिंदुओं का छठ पर्व है, जो आस्था का पर्व है। मैंने सोचा और लोगों से निवेदन किया और भीख मांगना शुरू किया, उसमें हमको अच्छा मैंने समाज से कोऑपरेशन मिला, मैंने इसे शुरुआत किया और इसमें एक कमेटी हमने बनाया और कमेटी में लगभग अभी तक 25 लोग इसमें शामिल हैं, तो कमेटी के एक सदस्य का एक बड़ा योगदान है जिसमें ये हम करवाने में अभी सफल हो रहे हैं। सबसे पहले चीज़ कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ है तोड़ा गया, तो तोड़ने के पीछे मंशा यही है कि इस जगह को एक भव्यता और एक सुंदरता दिया जाए, और मैंने प्रयास इसको शुरू किया है। जहाँ तक ने आपने कहा चैती छठ की बात, तो छठ तो अभी आस्था का पर्व कहा गया, यहाँ पर दोनों साइड में हमने एक एक छठ का सरसप्ता छोड़ दिया है। अच्छा, पूरब साइड में दो और पश्चिम साइड में एक छोड़ा है, जिसमें चैती छठ के जो हमारे भी छठ व्रती लोग होंगे, जो भक्त होंगे, छठ पूजा यहाँ कर लेंगे, और इसको कार्तिक महीना वाला जो छठ होगा, आते आते इस छठ माई के कृपा से और यहाँ के समाज के स्नेह आशीर्वाद और सहयोग से निश्चित रूप से एक भव्यता देने का प्रयास कर रहा हूँ और सफल भी हो जाऊँगा। देवेंद्र जी, इस चैनल के माध्यम से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि मतलब इसमें तो बहुत सारा खर्चा आएगा, तो अभी तक मतलब आपका क्या टारगेट रहा है या क्या योजनाएं हैं, योजनाओं में कितना पैसा धन इकट्ठा हो गया है और कितना अभी लगना बाकी है, क्या इसका प्रोग्राम है आपका, इसको थोड़ा सा अभी तक कितना खर्चा हुआ इसको? देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक शुरुआत जब हमने किया तो मेरे पास इस खाते में लगभग 50,000 रुपया रखे थे। अब पूछिएगा कि ये 50,000 रुपया आया कहाँ से, तो हर साल ये छठ पूजा जब होता है तो किसी पर चंदा मांगा नहीं जाता है, लोग अपने आप दे देते हैं, तो हर साल 1,000 2,000 3,000 4,000 का जो बचता था, उस तरह से लगभग हमने 50,000 रुपया इकट्ठा किया था, तो इकट्ठा करके उसी रुपया से एक हिम्मत है और शुरुआत की। अभी तक ले 2,77,000 रुपया इसमें हमने खर्चा किया है बाउंड्री और मिट्टीकरण में और इसको तोड़वाने में। इसमें लगभग मेरा जो अभी शुरुआती दौर का खर्च है, मिनिमम इसमें 7,00,000 रुपया का खर्च है, जो कि लोगों से चंदा और भीख मांग मांग के इसकी व्यवस्था हमने शुरुआत कर दी है। जैसे कि ढोंड़ा स्थान मंदिर के अगल बगल जितने भी दुकानदार हैं, सबने अपना 150 का सहयोग दिया। अभी तक जो भी हमको सहयोग मिला है,
वो निश्चित रूप से कमेटी के लोग के द्वारा और यहाँ के अगल बगल के लोगों के द्वारा 2,77,000 रुपये का हमने काम करवा दिया है और आगे तुरंत अप्रैल महीने से पुनः इसको शुरू करके और कार्तिक माह के पहले तक इसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूर्ण रूप में इसका रूप पूर्ण। मैं एक चीज़ और देवेंद्र जी जानना चाहूँगा कि इसमें सहयोग आप केवल यहाँ क्षेत्रीय ले रहे हैं या और लोगों से ले रहे हैं? इसमें सर सबसे बड़ी चीज़ है कि पूर्व में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें पूर्व के विधायक माननीय श्री धूमल सिंह यहाँ आए हुए थे, तो मैंने उनसे एक निवेदन किया कि सर हमने छठ पूजा का काम शुरुआत किया है, तो उन्होंने उन्हीं के माध्यम से यहाँ 50,000 रुपया हमें इस फंड में दिया गया। बाकी यहाँ के स्थानीय लोग ही दे रहे हैं और यहाँ के एक पूर्व मुखिया हैं निसार अहमद खान जी, उनकी पत्नी थी नाजिया खातून, उन्हीं के माध्यम से 11,000 रुपया का सहयोग मिला है। और वर्तमान में अभी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं श्री गौतम प्रसाद जी, उनके द्वारा 5,000 रुपया का सहयोग मिला है। बाकी सब यहाँ के स्थानीय लोग और दुकानदारों से ही सहयोग मिल पाया। वाह, सहयोग की बात की जाए तो आस्था का महापर्व छठ पूजा, इसका सहयोग करने के लिए लोगों को कहना नहीं पड़ता है, केवल अपनी बात को आप रखिए और लोग झट से तैयार हो जाते हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे आम ग्रामीण जनता हो। आपने इन लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित किया और लोग सहयोग कर रहे हैं, यह चीज़ तो काफ़ी सराहनीय है। इस चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इस चैनल के माध्यम से लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर मिट्टीकरण हो गया, इस पर काम शुरू नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि दर्शकों को जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको यह पता चल गया कि इसमें कितने ज़मीनी स्तर से लोग लगे हुए हैं और इनके भी मन में यह लालसा है कि जितना जल्दी से जल्दी काम हो सके। बीच में आड़े आ रही है अर्थ की कमी, तो मुझे लगता है कि जिन श्रद्धालु जो लोग ग्रामीण जनता चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें और उनका एक पैसा इसमें भी माता जी के सिर सुपता बनाने में कामयाब हो, तो आए देवेंद्र जी से मिलें और इनका सहयोग करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इनका हाथ बटाना, इनके हाथों को मजबूत करना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है। देवेंद्र जी आपने यह समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ कि यहाँ चैती छठ कैसे होगा। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि चैती छठ के लिए हमने ऑलरेडी 2-3 सप्ताह मैंने छोड़ रखा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो चैती छठ के श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती है, वो आकर के यहाँ अपना छठ कर सकते हैं। एक इधर भी सिरसुप्ता छोड़ा गया है जो कि यहाँ आप चैती छठ व्रती हैं तो आप आके यहाँ कर सकते हैं। मतलब आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, आस्था में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इसमें काम लगा। धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ के क्षेत्रीय या देश विदेश के बातों को जानने के लिए मैं हमेशा दृढ़ संकल्पित हूँ। धन्यवाद।